भारत में पहली बार आसाम में ही तेल मिला था, क्रूड ऑयल आसाम में ही मिला था, इसी डिब्रूगढ़ इलाका में जहां हम लोग बैठे हैं दुलियाजान में, और इसकी पास दिग्बोई जहां IOC की पहला देश की रिफाइनरी लगी है वहीं तेल मिला था। और देश की जो ऑयल रिसोर्स है उसकी लगभग 18% नॉर्थ ईस्ट में ही है, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इलाका में ऑयल और गैस पूरा भरा हुआ है। इसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना के अभी तक जो काम हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में देश की जिम्मेवारी संभाले तब हम लोगों ने यहाँ एक नॉर्थ ईस्टर्न हाइड्रोकार्बन विजन 2030 की प्लान किया है, जिसमें एक ध्यान में आया कि जब यहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी पड़ेगी, पाइपलाइंस, क्रूड पाइपलाइन, प्रोडक्ट पाइपलाइन, गैस पाइपलाइंस, LPG पाइपलाइन, ये सारा अगर हम यहाँ विस्तार करेंगे, रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, ऑयल प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, और उसी की श्रृंखला में कुछ वैल्यू एडिशन भी होगा। डिब्रूगढ़ जिले में BCPL बना है, नामरूप फर्टिलाइजर यहीं की गैस से चलती है, नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, ये सारा यहाँ की अर्थनीति को और तेजी ला सकता है। लगभग 1,30,000 करोड़ रुपया की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसकी योजना हमने पिछले 2015-16 में बनाई, उसी का कल हम लोगों ने एक रिव्यू किया जिसमें लगभग 50,000-55,000 करोड़ रुपया की प्रोजेक्ट डेडिकेट भी कर दिया गया है। उसी सीरीज में कल प्रधानमंत्री जी ने 3,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी की 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑयल सेक्टर की, गैस सेक्टर की कल आसाम के अंदर डेडिकेट किया। इसमें से स्थानीय रोजगार बढ़ रहा है, स्थानीय सरकारों को रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, और एक डाउनस्ट्रीम इकोनॉमी भी उसमें से डेवलप हो रही है। एनर्जी विशेष करके ऑयल एंड गैस सेक्टर की बड़ी रोल है नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में।